तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? भाई आप अच्छे होंगे। मैं के पिसंत, आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहां पर ये ब्लॉक टॉप किया जा रहा है दोस्तों। और ये आप लोगों को बता दूं कि दादरी से लेकर और बुलंदशहर तक का व्यू आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर फ्लाईओवर को चौड़ा कर देने के बाद में किस तरीके से काम को किया जा रहा है। पीछे आप लोगों ने तस्वीरें देखी, देखो यहाँ पर ये साइडों में रेलिंग भी लगाई जा रही है दोस्तों। रेलिंग लग जाने के बाद में इस पर येल्लो कलर कर दिया जाएगा दोस्तों। बाकी तो ये एक्सप्रेस वे बन के बिल्कुल कंप्लीट सही हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी काम बचा हुआ है। लेकिन अभी तो इसमें साइड से दोस्तों ये क्रैश बैरियर भी लगाए जाएंगे दोस्तों, और इसमें रेलिंग भी लगाई जा रही है। तो अभी कार्य मतलब कि काम बचा हुआ है पेंडिंग, जो कि किया जा रहा है दोस्तों। आधे में तो हो चुका है, मतलब कि जो रोड बनाने का काम था, ब्लैक टॉप का काम था, वो तो मोस्टली हो ही चुका है दोस्तों, ये आप लोग जान लो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों। तो बने रहिए एंड तक, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। देखो सारे में रेलिंग लगा दी है, और रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों इस पर येल्लो पेंट भी कर दिया है रेलिंग के ऊपर। तो ऐसे यही काम चल रहा है दोस्तों। स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी है बीच में, और देखो 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट भी कर दिया है इन्होंने, मतलब कि जो 1 लेन को बढ़ाना था वो भी कर दिया। उसके बाद में ब्लैक टॉप किया गया दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर 100 दिन में 100 किलोमीटर रोड बनाई गई है दोस्तों, जो कि अपने आप में पहली बार रिकॉर्ड बना है। देखो यहाँ पर कहीं कहीं जगह लैंड मार्किंग का काम हो गया, कहीं कहीं जगह नहीं हुआ है, तो वो आप लोग वीडियो में देख सकते हो अपनी आँखों से दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर लैंड को बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी ये देखो किस तरीके से यहाँ पर ये लैंड बनाई जा रही है, यानी कि 4 लेन से 2 लेन से 3 लेन में कन्वर्ट किया गया है। देखो अभी नया नया ब्लैक टॉप हुआ है दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, पहले ये 4 लेन का फ्लाईओवर था, अब ये 3 लेन का फ्लाईओवर हो चुका है दोस्तों। इसको चौड़ा किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देखो मशीन लगी हुई है, रोड रोलर भी लगा हुआ है, और इस पर ब्लैक टॉप भी किया जा रहा है दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। अब ये दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारे गाज़ियाबाद के लाल कुआं से लेकर और अलीगढ़ तक के पार्ट में दोस्तों ये 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है दोस्तों। पहले 4 लेन हुआ करता, अब 6 लेन हो गया, और जिसका जो ओल्ड नेम था दोस्तों वो था NH91, अब न्यू नेम इसका हो चुका है दोस्तों NH34। अब ये 34 के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, एक्सिस कंट्रोल्ड ये एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों, लालकुआ से लेकर और अलीगढ़ तक का। तो मैं आप लोगों को व्यू इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में तो आप लोगों को बुलंदशहर तक का मिलेगा, लेकिन बुलंदशहर से और आप लोगों को अलीगढ़ के बीच में और भी एक अपडेट आने वाला है, तो देखने के लिए बने रहिए दोस्तों। देख सकते हो ये आ चुका है सिकंदराबाद का अंडरपास दोस्तों, बाईपास। तो देखो यहाँ से ये राइट में दोस्तों सिकंदराबाद के लिए जा सकते हैं हम दोस्तों, और ये बाईपास है, और सीधे अगर हम जाते हैं तो बुलंदशहर होते हुए, खुर्जा होते हुए सीधे अलीगढ़ एटा निकलेंगे जाके दोस्तों। तो उधर तो ये 4 लेन हाईवे है, लेकिन अलीगढ़ तक ये 6 लेन हाईवे कर दिया जा चुका है दोस्तों। तो आप लोग एंजॉय करो, आप लोगों को व्यू देखने के लिए मिलेगा पूरा।
दोस्तों यहाँ सामने ये आ जाता है दोस्तों इस रिवर को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों टोल प्लाजा सिकंदराबाद का दोस्तों, और सिकंदराबाद में ही टोल प्लाजा के बगल में ही लेफ्ट हैंड पे इनका एलएनटी का कंस्ट्रक्शन यार्ड भी है दोस्तों, यानी कि मटेरियल यार्ड भी यहाँ पर ये मिक्सर प्लांट भी बनाया गया है दोस्तों। मेरे लेफ्ट हैंड पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखो वो सामने चमक रहा है ना मिक्सर प्लांट, तो यहीं पर यह मिक्सर किया जा रहा है इस रोड की रोडी बजरी को, और फिर इसमें ब्लैक टॉप कर दिया जा रहा है दोस्तों। पुराने को भी उखाड़ के ले जाते हैं और कुछ नया मिक्स करके दोस्तों, और फिर उसी को रीयूज किया जा रहा है दोस्तों इस हाईवे में। और देखो ये स्ट्रीट लाइट के खंभे यहीं पर पड़े हुए हैं दोस्तों, वो भी लगाए जा रहे हैं। टोल प्लाजा आप लोग देख सकते हो सिकंदराबाद का है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत तो बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और इस टोल प्लाजा पर दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा, पता नहीं इस टोल प्लाजा पर ये क्या करते रहते हैं दोस्तों। देखो कितनी लंबी चौड़ी लाइन लग रही है आप लोग देखो, और जबकि फास्ट टैग लगा दिया जा चुका है तब ये हाल है दोस्तों। जब फास्ट टैग नहीं था तब तो बुरा ही हाल रहता था, अब फास्ट टैग होने के बावजूद भी इतनी लंबी लंबी लाइनें रहती हैं दोस्तों। पता ही नहीं यार क्या हो रहा हमारे इंडिया में, कुछ पता ही नहीं चलता यार। देखो आप लोग तस्वीरें इंजॉय करो, ऐसे ही वीडियोज़ आगे आप लोगों को बुलंदशहर तक का व्यू देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो आप लोग देखते रहो इंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। We'll be right back.
लाल कुआं अलीगढ़ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हाईवे बनाया गया है दोस्तों। 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया गया है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लैंड मार्किंग का काम भी हो गया है, कुछ जगह पर बचा हुआ है लैंड मार्किंग के लिए, बाकी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें साथ साथ ये देखो रेलिंग लगा दिया दोस्तों, रेलिंग ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को हमें नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। ये आ चुका है बुलंदशहर वाला कट दोस्तों, यहीं तक ये वीडियो बनाया है, तो कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।